तो वहीं आज पुलिस स्मृति दिवस पर देश शहीद पुलिसकर्मियों को नमन कर रहा है और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आज मुझे यहां अमर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका मिला और यही जवान हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। -50 से +50 डिग्री तापमान में सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। स्मारक पर एकत्रित सभी महानुभाव, सभी बल के जवान और देश भर में इस कार्यक्रम को दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं सभी देश के नागरिक भाइयों और बहनों, आज यहां पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अलग अलग बल के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहां पर रहकर वो अमर जवानों के बलिदान की भावना को पुष्पांजलि करने का, श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबूथू तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्साह हो, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अडिग रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं।